स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस के बारे में। और अब जो न्यूट्रिशन साइंस खत्म होने वाला है, बीएमआर बचा है, साथ ही एक मेन्यू का जो है लास्ट बचा है, इसके बाद में हम टेक्सटाइल शुरू करेंगे। हालांकि बीच में काफ़ी सारी जो क्लासे हैं वो स्किप हुई थी बीच में, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि रेगुलरिटी बनी रहे, क्योंकि जो आप जानते हैं वैकेंसी तो निकल चुकी है लेकिन अभी कोई एग्जाम डेट नहीं आई है। और आप जो है अगर चाह रहे हैं देखना क्लास से कंटिन्यू आप चाह रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा दें, ताकि इजीली आपको सारी क्लासे अवेलेबल हो जाए। और जितने भी आपको क्लासे हैं वो आपको प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है कैटेगराइज कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बीएमआर के बारे में। बीएमआर का फुल फॉर्म जो है वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ये जो है होता क्या है, ये पढ़ लेते हैं एक बार। व्यक्ति द्वारा भोजन किए 12 घंटे हो गए हैं और इस अवस्था में 1 घंटे के भीतर जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, शरीर में जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, चाहे वो श्वसन है, पाचन है, अवशोषण है, उत्सर्जन है, ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं ये रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और ये जो है वो क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। सभी रासायनिक क्रियाओं पर जो ये रासायनिक क्रियाएं होती है वो किस पर होती है, भोजन पर होती है। होती किस पर है, भोजन पर ही होती है, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जा पर ही कार्य करता है। कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे मतलब सो भी रहे हैं तो भी हमारी जो है एनर्जी उसमें लगती है, तो ऊर्जा पर ही सारा काम, हमारा पूरा शरीर ही उसी पर डिपेंड है। और ये ऊर्जा हमें मिलती है किससे, भोजन से। और ये मेटाबॉलिज्म जो होता है, ये जो रासायनिक क्रियाएं होती है ये सारी की सारी भोजन पर होती है। और इसे जो है मेटाबॉलिज्म जो इसे दो भागों में बांटा गया है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है निर्माण, किसका निर्माण, मतलब छोटे छोटे जो अणु होते हैं उनको जटिल अवस्था में चेंज करना, यानी बड़े बड़े टिश्यूज जो सेल वगैरह बन रहे हैं, तो जो निर्माण कार्य होता है वो किस में होता है, एनाबॉलिज्म में होता है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जटिल अणु का सरल अणु में विभक्त होना, मतलब ये इसका, ये इसमें क्या होगा, ये तो विभक्त होगा, इसमें निर्माण होगा, छोटे छोटे अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होगा, किसमें, एनाबॉलिज्म में। और कैटाबॉलिज्म में छोटे छोटे जो जटिल अणु हैं उनसे छोटे, उनको जो है छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, यानी तोड़ने का, सीधी सी बात है टूटना जो है वो क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बीएमआर होता है उसकी वृद्धि और उसकी कमी किस तरह से होती है, मतलब किन किन अवस्थाओं में बीएमआर की वृद्धि और कमी हो सकती है, ये हम बात कर लेते हैं। तो बीएमआर जो है इसकी वृद्धि कब होती है, जब आप एक चीज ध्यान रखिए, जब आपका शरीर जब एक्टिव होगा तो बीएमआर क्या होगा, बढ़ेगा। और जब शरीर क्या होगा, इनएक्टिव, तो आपका बीएमआर क्या होगा, घटेगा। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा के रखिए। और इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जिन पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि वृद्धि काल में, ग्रोथ पीरियड में जो है, ग्रोथ पीरियड में क्या होता है, बीएमआर बढ़ेगा। ग्रोथ पीरियड होता कौन सा है, बाल्य अवस्था, सबसे तेजी, एक तो शैशवावस्था और एक बाल्य अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं में जो है ग्रोथ पीरियड जो है वृद्धि के जो है बच्चे में तेजी से देखी जाती है। और इसी अवस्था में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसका भी जो इंडेक्स है वो मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तेजी से ही बढ़ता है। इसी तरह से जब आप माइंड का कुछ काम कर रहे हैं, माइंड का कोई वर्क कर रहे हैं, तो उस समय आपका बीएमआर जो है वो कितना प्रतिशत बढ़ जाता है, 4% तक बढ़ जाता है। इसी के साथ ही
कोई भी जैसे कि आपने कैफीन वगैरह लिया है या जो उत्तेजक चीजें लेते हैं, जैसे उत्तेजक जैसे चाय है कॉफी है, उत्तेजक से मेरा मतलब है चाय कॉफी उत्तेजक पेय पदार्थ या फिर पदार्थ जैसे कि टी कॉफी या फिर कोकी या आपने अगर शराब या मद्यपान किया आपने, कोई भी मतलब कोई भी उत्तेजक चीज जब हम ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारा बीएमआर बढ़ेगा। क्या होगा, हमारा बीएमआर बढ़ेगा, वृद्धि देखी जाएगी। इसके साथ ही जब हम सो रहे हैं उस अवस्था में क्या होगा, बीएमआर घटेगा, ये तो हमें पता ही है। इसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन का जब थायरॉइड ग्रंथि से स्राव होता है, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्राव होता है, थायरॉइड ग्रंथि से, थायरॉइड ग्रंथि। तो जब थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसका स्राव होता कहाँ से, थायरॉइड से, और जब ये स्राव होता है तो क्या होता है, आपका जो बीएमआर है वो बढ़ जाता है। क्या होगा, बीएमआर बढ़ेगा, क्या होगा, बीएमआर आपका बढ़ जाएगा। तो आपने देख लिया जब हमारा शरीर एक्टिव अवस्था में होता है तो बीएमआर बढ़ता है, इनएक्टिव अवस्था में घटता है। इसके अलावा उत्तेजक चीजों को हम जब लेते हैं तो भी बढ़ता है, बुखार की अवस्था में भी, बुखार में भी हमारा बीएमआर बढ़ेगा। बुखार होता है जो है, आप एक चीज ध्यान रखिए, जब भी बुखार आता है तो होता है इसलिए कि हमारे अंदर की कोई भी वायरस जब अंदर आ जाता है हमारे शरीर में, तो उस अवस्था में हमारा शरीर उस वायरस को निकालने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगाता है। उस समय हमारा शरीर बहुत अधिक एक्टिव होता है और इसीलिए हमें बुखार आ जाता है। तो इसी वजह से बुखार की अवस्था में जो बीएमआर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। बुखार की अवस्था में आपका बीएमआर बढ़ जाएगा। इसके अलावा निद्रा की अवस्था में बीएमआर घटेगा कितना, 10%। निद्रा में बीएमआर कितना घटेगा, 10% जो है बीएमआर घटेगा। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि कई बार जो है इस तरह से असत्य, सत्य और असत्य वाले जो कथन जो नेट में पूछा जाता है तो उसमें पूछ लिए जाते हैं, इस तरह से आपको दे दिए जाएंगे कथन और पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, या आपसे ऐसा पूछ सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन 5-6 ऑप्शन दे दें और पूछ लिया जाता है कि बीएमआर के लिए इनमें से क्या चीज़ सही है, मतलब किस चीज़ से बीएमआर बढ़ेगा और किस चीज़ से घटेगा। तो इस क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है किसी भी तरह से हो सकती है, तो हमें ये चीज़ें याद रखनी कि बीएमआर किस तरह से घटता है, कितना बढ़ता है। और निद्रा में हमें याद रखना है 10% बढ़ता है। इसी तरह से जो माइंड, जब हम माइंड वर्क करते हैं, कोई भी मानसिक कार्य करते हैं, तो बीएमआर आपका 4% तक बढ़ता है। इसके अलावा और ये तो हमें पता है, मांसपेशियां एक्टिव होती है, मांसपेशियां एक्टिव है, जैसे मान लिया एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, ऐसे अवस्था में भी आपका जो बीएमआर है वो बढ़ेगा। और एक चीज हमें ध्यान रखनी है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का बीएमआर ज्यादा होता है। और एक चीज और है, मांसपेशियां जो मैंने लिखा नहीं, आप एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि अगर मांसपेशियां एक्टिव है तो आपका बीएमआर भी बढ़ेगा ही। तो ये जो है बीएमआर से रिलेटेड हमने कई सारी चीजें देख ली हैं। और एक चीज और देख लेते हैं, अप्रत्यक्ष विधि से बेनेडिक्ट रोथ का यूज किया जाता है, यानी बीएमआर का ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है इसमें क्या है, आपका आधारित चयापचय जो है, मतलब ये जो बीएमआर है ये अप्रत्यक्ष तरीके से किसके द्वारा नापा जाता है, बेनेडिक्ट रोथ टेस्ट, बेनेडिक्ट रोथ टेस्ट के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष विधि से, अप्रत्यक्ष
विधि से इसे क्या किया जाता है, नापा जाता है। तो ये बेंडिक रोथ जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेंडिक रोथ जो है अप्रत्यक्ष विधि से इस जो बीएमआर है वो किसके द्वारा नापा जाता है, बेंडिक रोथ के द्वारा। और ये चीजें हमने देख ली है काफी सारी, और कल जो है हम बात करेंगे मेन्यू के बारे में और मेटल बेसल मेटाबॉलिक रेट, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो हमने आज जो है इस क्लास में डिस्कस कर ली है। कल की क्लास में हम मेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपका आपकी क्लासेस जो है मेन्यू के बारे में टेक्सटाइल वाली शुरू हो जाएंगी, तो अगर आपको इस चाहिए कि क्लासेस रेगुलर आए तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली जितनी भी क्लासें हैं उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्लासें आपकी इकट्ठी होती जाएंगी उतना ज़्यादा आपको मतलब मुश्किल होती जाएगी उसको देखने में। तो कोशिश कीजिए कि जो क्लास जिस दिन आ रही है उसी दिन या उसके अगले दिन जरूर देख लें ताकि आप नोट्स आप रेगुलरली रहे आपके नोट्स बनाने में और पढ़ने में, और आप इजीली जो है अपनी तैयारी कर पाएँ। तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। मिलते हैं कल की क्लास में मेन्यू के साथ। थैंक यू सो मच।